जमशेदपुर, ये शहर झारखंड का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस सुंदर और विकासशील शहर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मुख्य औद्योगिक शहर है। आज की कहानी है कृतिका की। कृतिका एक फौजी परिवार की बेटी थी। हर टीनेजर की तरह कृतिका भी बेफिक्र और चंचल थी। इतना मजा आया है ना, मैं तो सोच रही हूँ कि कल उसके बेंच पे ना च्युइंग गम चिपका दूंगी। देख लेना उसका शक्ल कैसे रोटलू जैसा होता है। चलना रिया, इतनी स्लो क्यों चला रही है? कृतिका, आज कब्रिस्तान के शॉर्टकट के बजाय बाहर से चले क्या? क्यों, डरती हो? रोज वही से तो शॉर्टकट मारते हैं, आज क्या हुआ? पता नहीं क्यों आज डर सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं कर्नल सिन्हा की बेटी हूँ, भूत भी आर्मी वालों से डरते हैं। आजा आजा, देखते कोई नया मेहमान तो नहीं आया है वीकेंड में। कृतिका, आर यू मैड? तू ना एक दिन पछताएगी तेरे मजाक करने की वजह से। क्यों, क्या होगा? भूत आएगा? ओ कम ऑन रिया, अब तक कुछ नहीं हुआ है तो आज क्या होगा? तुम नहीं मानोगी, ठीक है वहीं से चलते हैं। ले आ गई तेरी फेवरेट जगह, कब्रिस्तान। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, उसके बाद रोज कब्रिस्तान से आना जाना, मुंह तो लटकेगा ही ना। अच्छा हुआ ये कब्रिस्तान का शॉर्टकट है, वरना घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। कृतिका जल्दी चलाना, मुझे पता है ना मुझे इस जगह से डर लगता है। रोज यहीं से जाते हैं और रोज डरती है, कितनी बार समझाए भूत वो कुछ नहीं होता है। तेरा किसी भूत से पाला पड़ेगा ना, डर क्या होता है तब तुझे पता चलेगा। तुम ही ना, वो क्या था? क्या कृतिका, वहां पे कुछ भी नहीं है, चल यहां से। चल, कोई नहीं वहां पे। चेन को भी अभी निकलना था। कृतिका जल्दी कर, बहुत देर हो रही है। क्या हुआ, जल्दी कर। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये क्या हुआ है सर? वही एग्जाम्स के दिनों का प्रेशर, अब जब तक एग्जाम्स चलेंगे इसका मूड ऐसे ही रहने वाला। एग्जाम्स? ओह या या, आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट।
अच्छा बेटा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे, ठीक है? और बेटा, तुम घर में अकेली हो, अपना ख्याल रखना, घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देना। ओके पापा। एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ओके? यस पापा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मॉम। बाय बच्चा। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन? कौन बोल रहा है? मैं ठीक हूँ। ओके। क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ, अभी इसी वक्त, प्लीज जल्दी आना। कृतिका का लड़का कौन है? रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है, बिलीव नहीं होता। और यहाँ टेरिस पे क्या कर रही है? रिया, फोन पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का? जिसके साथ तू थी। ओ प्लीज यार रिया, अब तू शुरू मत हो जाना।
कल से अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है मेरे साथ। बोलना, वो लड़के को कहाँ छुपा दिया? कौन लड़का? यहाँ पर कोई नहीं है। मम्मी पापा आ गए, चलो नीचे चलते। तुम मेरे कमरे में रुकना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? पहले वो डरावना सपना आया और आज वो फोन कॉल। मैंने सोचा आपको सब कुछ बता दो। बेटा सपने तो सपने ही होते हैं ना, आखिर इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? और बेटा वो फोन कॉल, मुझे लगता है कोई सिविल तुमसे मजाक कर रहा है। नहीं, और इसलिए मैंने रिया को बुला लिया, वो मेरे कमरे में। पापा मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन रिया मेरे साथ रहे, मेरे कमरे में। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि रिया के यहाँ रहने से तुझे कंफर्टेबल फील होगा तो फिर मैं उसके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ, हाँ, और उसके कपड़े भी मंगवा लेती हूँ, ठीक है? सुनाई दे रही है क्या? कैसी आवाज? कौन सी आवाज? कृतिका मुझे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज सोने दे यार, और तू भी सो जा। गुड नाइट वंस अगेन। कृतिका बेटा, इतनी रात गया, अकेले कहाँ जा रही? कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कैप्टन साहब को बताना होगा।
माइंड कृतिका। तुम मेरी हो, मुझे हमेशा से प्यार की तलाश थी, जो मुझे मौत के बाद तुमसे मिला। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा कृतिका, और अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा हमेशा के लिए, समझ गई ना? कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका, फादर, फादर, शी इज माय डॉटर कृतिका। हेलो कृतिका। हेलो फादर। बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सच सच बताओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे बताओ। वो फादर, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी फ्रेंड रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे। हम रोज की तरह कब्रिस्तान से शॉर्टकट ले रहे थे। कल रात उस लड़के से मिलने के बाद मैं बेहोश हो गई। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो लड़का एक स्पिरिट है भी या नहीं, या वो कृतिका के दिमाग का एक वहम है। इट कुड जस्ट बी हैल्यूसिनेशन। Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. देखो कृतिका, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा उस लड़के जेम्स की कब्र से क्या संबंध है? कृतिका, टेल मी द ट्रुथ। वो फादर, कुछ दिन पहले मैं और रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे कि अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो देखो रिया, एक नई कब्र, ये यहाँ पहले नहीं थी। चलो देखते। रहने दो ना कृतिका, हमें क्या लेना देना। कम ऑन यार, हमेशा डरती रहती है, चलो ना।
कितनी छोटी उम्र थी इसकी। हाउ सैड ना। हाँ बहुत सैड है, अब चले यहाँ से। रुको ना। हाय जेम्स, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इतनी कम उम्र में मर गए। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कौन है? कहाँ है? कैसी है? लेकिन हो सकता है उसको कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया हो। हाउ सैड यार। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो जिंदगी भर किसी और को मेरा बॉयफ्रेंड ही बना देती। हर रोज ना तुमसे मिलने आ जाती। एनीवेज कुछ और तो नहीं कर सकती हूँ, कम से कम तुम्हारे लिए प्रेयर तो कर सकती हूँ ना। आई विश तुम्हें मौत के बाद आराम मिले, तुम जहाँ रहो तुम्हें प्यार मिले और भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करे और तुम आजाद हो जाओ। देखिए जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ से निकलने के बाद मैंने जेम्स के बारे में पता किया। जेम्स एक आवारा और बदनाम लड़का था। छोटी सी उम्र में ही वो बिगड़ गया था। इनफैक्ट जिस दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई उस दिन भी वो एक लड़की से बदतमीजी करके बाइक से भाग रहा था। जेम्स एक ज़िद्दी रूह है, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। आपका कहने का मतलब ये है उस रूह से आप हमारी बच्ची को बचा नहीं पाएंगे? नहीं, और मैं अकेले तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैंने रांची से फादर इवांस को बुलाया। आई होप वो कल शाम तक यहाँ पहुंचाएंगे। मैं फादर इवांस। हेलो फादर, एक खास हमारी मदद के लिए यहाँ आए। फादर, मेरी बेटी को उस प्रेत से छुटकारा तो मिल जाएगा ना? फेथ इज एवरीथिंग, गॉड पे भरोसा रखना होगा आपको। आई थिंक फादर अब हमें ग्रेवियार चलना चाहिए। चलो बेटा, आप लोगों को किसी को आने की जरूरत नहीं है। कृतिका हमारे साथ अकेली ही जाएंगी। नहीं फादर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या कह रहे हो बेटा? मामा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। माय चाइल्ड, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई प्रॉमिस यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Have faith in God. Trust me. Hello.
Father, I now ask you to anoint me from head to foot with your anointing, with your power, and with your authority to take these demons head on. You have already told us in your word that in my name they will cast out demons, and that you gave the early apostles the power over unclean spirits, and that they cast out many demons. मैं कहता हूं सामने आओ, शो योर सेल्फ। चाइल्ड, तुम बुलाओ उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे कहने पर जरूर आएगा। जेम्स, सामने आओ। जेम्स, प्लीज सामने आओ। सामने आओ। जेम्स, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सामने आओ। परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? क्योंकि मुझसे प्यार करती है फादर, और मैं इससे। झूठ बोल रहे हो तुम, कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती। कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती, लीव हर नाउ। आई सेड लीव। हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ जेम्स। आई हेट यू जेम्स, आई हेट यू, आई हेट यू जेम्स, आई हेट यू। Father, your word tells me that the sword of the Holy Spirit is your word. Father, in Jesus' name, let your word be my sword. Father, I repeat, let your word be my sword. मेरा कुछ भी कर सकता, Father. मैं देखता हूँ अपने कर्तिका और मेरे बीच में कौन आएगा। अब मैं हमेशा के लिए उसको अपने साथ ले जाऊँगा। तुम मेरे और मेरे गॉड के रहते कृतिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Go away. Go away. Go away. Destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. And will say, destroy them. Destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. And will say, destroy them.
उन्नतशील पढ़ने लिखने में खेलने में हमेशा प्रसन्न रहने वाली अपने सहेलियों के अपने परिवार के साथ रहने वाली लड़की किस तरीके से वो प्रेतात्मा से ग्रसित हो गई। वास्तव में ऐसी करोड़ों घटनाएं रोज होती हैं। लोग तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और आज तक विश्व में इसका किसी मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। कृतिका की एक छोटी सी नादानी ने उसको एक बहुत ही बड़े भंवर में फंसा दी। यूजुअली देखा गया है कि आत्माएं उन्हीं लोगों का पीछा करती हैं जो आत्मा से डरते हैं। जिंदगी का एक रूल है, आप जिससे डरोगे वो आपको भगाएगा, लेकिन जिस दिन आप डरना बंद करके अपने डर को फेस कर लेते हो, डर आपसे कहीं दूर भाग जाता है। इस मामले की सारी असलियत उन्होंने मेरे सामने रख दी, मुझे ट्रेनिंग भी दी और मेरा डर भी कम हो गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.